हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडीएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कंसेप्ट किंग जो बुक है उसकी एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम सीएचएसएल और सीजीएल एग्जाम से पहले कंप्लीट जो कंसेप्ट किंग बुक है उसको रिवाइज करने वाले हैं। और इसकी हमने एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने टेबल ऑफ सिंबल्स एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमने सीखा था। तो आइए हम आज नए टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसमें है दोस्तों, ज्योमेट्री का लाइन एंड एंगल्स। तो इस तरह से हम वन बाय वन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। और इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, वो एक वीडियो हम कवर कर चुके हैं टेबल ऑफ सिंबल्स की एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की, वो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं लाइन एंड एंगल से। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना अच्छे से मैं आपको समझा पाऊं उस तरह उस उतना बेस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसमें। और अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर मेरे से हो जाती है या फिर कुछ कंसेप्ट मैं अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री विथ लाइन एंड एंगल्स के साथ। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? जीरो डायमेंशन फिगर और ए सर्कल विद जीरो रेडियस। तो ये एक तरह का सर्कल होता है जिसकी रेडियस क्या होती है? जीरो। इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट। शून्य आयामी आकृति या शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसकी त्रिज्या मतलब जिसकी रेडियस जो है वो क्या होती है दोस्तों? जीरो। ये एक सर्कल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लाइन। लाइन हमारा क्या होता है दोस्तों? ये मैंने कल भी आपको बताया था कि लाइन दोनों तरफ एक्सटेंडेबल होती है बोथ डायरेक्शन में। लाइन सेगमेंट जो हमारी होती है ये दोनों तरफ टर्मिनेटिंग होती है। और रे हमारी होती है जो ये यूनिडायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है दोस्तों लाइन सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, रेखाखंड और रे को किरण और लाइन को रेखा। हिंदी मीडियम में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। एंगल इसके बाद आता है एंगल। एंगल क्या होता है दोस्तों? इंक्लाइनेशन बिटवीन टू साइड्स इज कॉल्ड एंगल। यानी दो लाइन का जो स्लोप होता है, जो झुकाव है इन्हीं दो लाइन के बीच में, उसको क्या कहते हैं? एंगल। कोण। कोण हमारे पास दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक सप्लीमेंट्री एंड एक कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये समझते हैं कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या होते हैं। ये एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है दोस्तों इन्हीं दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तो ये क्या कहलाते हैं? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स व्हेन 180 डिग्री, जब किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है दोस्तों वो हमारे हो जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछेगा कि 75 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो आप क्या कर रहे होंगे? 90 में से 75 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा? 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आप देख पा रहे होंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी तरह से हमारा सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा कि 45 डिग्री के लिए संपूर्ण कोण क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? 180 में से 45 को माइनस कर रहे होंगे तो ये हमारा आ जाएगा 135 डिग्री। आई होप आपको क्लियर होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज हमारा ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें देखने को मिलेगा, तो वहां पे भी हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा, ये आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पे,
43 डिग्री का पूरक कोण बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे 43 को, जो कि हमारा आएगा 47 डिग्री। इसी तरह से 43 का सप्लीमेंट्री एंगल पूछेगा वो हमसे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 180 में से 43 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 43 डिग्री, दैट इज 137। इसी तरह से 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री दोनों, और इसी तरह से थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा एंड सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा। उसके बाद है दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 90 मोर देन कॉम्प्लीमेंट्री। जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है, ऑब्वियसली दोस्तों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन जानते हैं क्या होता है, देखिए, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस ऑफ द गिवन लाइंस, और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो किन्हीं दो या दो से ज्यादा लाइंस को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, सॉरी डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, क्योंकि दो या दो से ज्यादा अलग अलग लाइंस होंगी तो उन सभी को अलग अलग पॉइंट पे जो है वो कट करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे इस तरह से ये दो लाइन है हमारे पास, और कोई लाइन इनको कट कर रही है अलग अलग बिंदु पे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। इसके बाद है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इस तरह से कोई दो लाइन जिनको हम कितना भी एक्सटेंड कर लें ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है दोस्तों, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये जो फिगर है नीचे देखिए, यहाँ पे ए बी है जो वो सी डी के पैरेलल है, और जो EF लाइन है वो क्या है, इन दोनों के ट्रांसवर्सल। ये जो बीच में जो कट कर रही है दोनों लाइंस को, ये क्या है, EF ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है दोस्तों, जानते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होंगे दोस्तों, जो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स फॉर्म्ड इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, संगत कोण। जैसे यहाँ पे एंगल 1 और 5 का पेयर जो है वो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 8 का जो पेयर है ये क्या है दोस्तों, 4 और 8 का ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। एंगल 2 और एंगल 6 कोरस्पोंडिंग है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 7 क्या है, कोरस्पोंडिंग है। इसके बाद है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो दोस्तों, ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर कौन सा है हमारा यहाँ पे, जो इस तरह से जेड फॉर्म करता है, और जेड फॉर्म करने के बाद जो ये इंटीरियर एंगल्स इस तरह से फॉर्म होते हैं, ये हमारे होते हैं दोस्तों उल्टे ऑल्टरनेट एंगल्स। ये देखिए यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5 का जो पेयर है ये हमारा क्या है दोस्तों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से एंगल 4 और एंगल 6 का जो पेयर है ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद एक और कंसेप्ट है दोस्तों, ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल 1 और एंगल 3 का पेयर है ये ऑपोजिट एंगल्स है, एंगल 2 और एंगल 4 का पेयर है ये ऑपोजिट एंगल्स है, एंगल 6 और एंगल 8 का पेयर से ऑपोजिट एंगल्स है, ये दोनों दोस्तों इक्वल होते हैं ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 5 और एंगल 7 का पेयर। इसके बाद एक और है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, 2 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, 3 हो जाएगा ऑपोजिट एंगल्स, एंड 4 है दोस्तों एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हमारे कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और 5 का पेयर जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। ये क्या है हमारी एडजेसेंट एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 6।
एंगल 3 एंड एंगल 6 एडजेसेंट एंगल्स, इनका सम कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखने। बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा और आगे की तरफ, कुछ और कंसेप्ट के साथ। ये देखिए, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों लाइंस के बीच में हम एक पैरेलल लाइन जो कि ओ पॉइंट को कट करते हुए ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन है दोस्तों इसका नाम हम रख देते हैं L1। तो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू L1 इज पैरेलल टू सी डी, ये तीनों ही लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब ए बी को हम एक्सटेंड करेंगे तो ए बी पैरेलल टू L1 है, और यहाँ पे दोस्तों जो एंगल ए है ये हमारा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी हमारा एंगल ए हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग ए एंगल्स, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है L1 के, ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा। इसके बाद जो ऊपर वाला एंगल है दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, जो ये एंगल है दोस्तों ये तो हमारा गामा है ही, ये जो एंगल है ये तो हमारा गामा है ही, और इसके बाद सी डी इज पैरेलल टू L1 है, तो जो हमारा बीटा एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस पार्ट के इक्वल, इस एंगल के इक्वल। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट एक सर्कल फॉर्म हो चुका है, और जो कि हमें पता है कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 360 डिग्री। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों P इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस एक्स। तो ये देखते हैं किस तरह से जो एंगल B है वो ए प्लस सी प्लस एक्स के बराबर है। अगर हम दोस्तों इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? ये एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए सी एंड, इस पॉइंट को हम ओ नाम दे देते हैं, ए ओ और डी का जो है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा दोस्तों। और एक्सटीरियर एंगल का सम हमें पता है दोस्तों कितना होता है? हम एंगल्स वाले टॉपिक में पढ़ रहे होंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ रहे होंगे। वो क्या होती है दोस्तों कि ए प्लस एक्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा दोस्तों? एंगल ए सॉरी एंगल बी ओ डी के इक्वल, एंगल बी ओ डी के इक्वल। सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल हमारा यहाँ पे क्या है? बी ओ डी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो एंगल है हमारा ये कितना है? ए प्लस एक्स। और इसी तरह से दोस्तों ये जो ट्रायंगल है इसमें एक्सटीरियर एंगल है बी, तो सेम कंसेप्ट के साथ जो बी है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, और यहाँ पे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हमारे कौन से हैं? ए प्लस एक्स एंड प्लस एंगल सी, प्लस एंगल सी। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? ए प्लस एक्स प्लस सी बी के इक्वल। तो यही हमें दो है प्रूव करना था इसमें दोस्तों। सो आई होप अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। यहाँ पे है दोस्तों ए और बी पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे जो आरएचएस है एंगल अल्फा प्लस थीटा वो इक्वल है एलएचएस के, अल्फा प्लस थीटा के। आइए जानते हैं किस तरह से। अगर हम दोस्तों
इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, और अगर इस तरह से इस लाइन को भी यहां पे एक्सटेंड कर रहे होंगे हम, तो ये दोनों ही जो है ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएंगी। और इसके बीच में हम क्या कर रहे होंगे दोस्तों, एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे जो कि ए बी और सी डी दोनों के ही पैरेलल होगी इस तरह से। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो ये एंगल है ये कितना हो जाएगा अल्फा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है ये, हम पीछे पढ़ चुके हैं इसका कंसेप्ट। और जो ऊपर वाला एंगल है दोस्तों ये कितना हो जाएगा एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल भी किसके कोरस्पोंडिंग है नीचे वाले थीटा एंगल के, क्योंकि ये तीनों ही लाइन आपस में क्या है पैरेलल। तो यहां से हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ है थीटा प्लस अल्फा, जो ग्रीन कलर का शेडेड रीजन है, ये इक्वल है दोस्तों किसके, लेफ्ट हैंड साइड वाले एल एच एस के। ये जो एंगल है इसके क्या है दोस्तों, इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर इस तरह से हमारे पास कोई कंसेप्ट है, ये दोनों ही लाइन हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइंस चार चार या चार से ज्यादा लाइंस को जो है कट कर रही हैं, पैरेलल्स हैं, तो हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी इक्वल होगा पी रेशो क्यू रेशो आर के। जो ये यहां से यहां तक ए फिर रेशो बी और रेशो सी, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पी रेशो क्यू रेशो आर के इक्वल। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से इस कंसेप्ट में अगर हम ए पार्ट को यहां से यहां तक ए पार्ट को अगर डिवाइड कर दें सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, पी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर के। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद है हमारे पास ये इस तरह से तीन पैरेलल लाइंस है हमारे पास, और इनको दो नॉन पैरेलल लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पे जो ए बी रेशो बी सी है, ए बी रेशो बी सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, डी ई रेशो ई एफ के, और जो कि किसके इक्वल हो जाएगा फाइनली एम रेशो एन के। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो एम रेशो एन है ये डी ई रेशो ई एफ का भी सेम रेशो रहेगा एम रेशो एन। यहां से बी सी बी ई की जब वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, बी ई ये जो मिडल लाइन है जो कि पैरेलल है दोनों ही लाइन के ए डी और सी एफ के, सो बी ई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी दोस्तों, ए पार्ट ए डी पॉइंट का डिफरेंस इनटू एन ये प्लस सी एफ का डिफरेंस बी इनटू एम, ये इस तरह से डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। ये देखिए एम रेशो एन सेम होगा डी ई रेशो ई एफ के, जो कि होगा एम रेशो एन, और बी जो मिडल लाइन है इसकी लेंथ क्या होगी, ए एन ए इंटू एन प्लस बी इंटू एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। सो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है, और ये हमारा था लाइन एंड एंगल्स का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, सेकेंड वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जुड़ जाएं हमारी डेली सीरीज के साथ कंसेप्ट किंग की, जिसमें हम सीजीएल और सीएचएल एग्जाम से पहले कंप्लीट कंसेप्ट किंग बुक को हम अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के साथ। बाय बाय, थैंक यू।